वेलकम टू एसएससी मेकर। आज है 20 जुलाई 2020 और 20 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में पिछले 10 वर्षों में कितने करोड़ से अधिक लोग गरीबी से ऊपर आए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 27 करोड़। जी हाँ, भारत में पिछले 10 वर्षों में लगभग 27 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से ऊपर आए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री कौन? प्रकाश जावड़ेकर। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की एक रिपोर्ट का ब्यौरा साझा किया। इसके अनुसार भारत में पिछले 10 वर्षों में 27 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बता दें 2005-06 और 15-16 के बीच दुनिया में गरीबी में सबसे अधिक कमी भारत में ही आई थी। अब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की स्थापना की बात करें तो 22 नवंबर 1965। मुख्यालय की अगर हम लोग बात करें तो न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर लोकेटेड है। चलिए देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले गाइस, आज के वीडियो के लाइक के टारगेट की हम लोग बात करें तो आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 1500+ लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। चलिए देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 18 जुलाई। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने में नेल्सन मंडेला बड़ा योगदान था उनका, और उन्हीं की याद में यह दिन भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 नवंबर 2009 को 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव में अपनाया और इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी घोषित किया। तो कब हुआ था अल्टीमेटली? 2009 में, 10 नवंबर 2009 को घोषित किया गया था कि भैया 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 18 जुलाई। चलिए देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है, तो भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत का स्थान है 3रा। जी हाँ, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक MRI 2020 में भारत 3रे स्थान पर है। वार्षिक रिपोर्ट अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कशमैन एंड वेकलिफ्ट द्वारा जारी की गई है और इस सूचकांक में प्रत्येक देश का मूल्यांकन 4 प्रमुख क्षेत्रों में किया गया है। अब मैं बता दूं, बाउंस बैक, बैकेबिलिटी, कंडीशंस, कॉस्ट और रिस्क, ये 4 बेसों पर किया गया है। इस सूचकांक में चीन पहले नंबर पर और संयुक्त राज्य अमेरिका 2रे स्थान पर है। भारत की स्थिति थर्ड नंबर पर है। चलिए देखते हैं आज का फोर्थ क्वेश्चन। रोज क्रिस्टियन ओस्कुका रोपांडा किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी, तो इसका करेक्ट आंसर है गैबॉन। जी हाँ, रोज क्रिस्टियन रोपांडा को गैबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, उनकी नियुक्ति गैबॉन के राष्ट्रपति अली बोंगो ओंडिम्बा ने की है। अब हम बात करें यहाँ पर गैबॉन की, तो गैबॉन की राजधानी लिब्रेविले है। क्या है? लिब्रेविले। और राष्ट्रपति की बात करें तो अली बोंगो ओंडिम्बा। मुद्रा की अगर अपन लोग बात करें तो सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रांक मुद्रा है वहाँ की। कहाँ की? गैबॉन की। चलिए देखते हैं आज का फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। भारत ने किस देश में पेट्रोलियम के रणनीतिक भंडार को रखने की चर्चा के लिए समझौता किया, तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब हम बात करते हैं, भारत और अमेरिका ने अमेरिका की धरती में पेट्रोलियम भंडार पर चर्चा शुरू करने के लिए एक MOU समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट के साथ साथ भारत अपने तेल भंडार को देश के अंदर
और विदेशों में भी सक्रिय रूप से बढ़ा रहा है। ठीक है, ISPRL एक भारतीय कंपनी है जो भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को बनाए रखने के लिए भी जिम्मेवार है। वर्तमान में भारत में कच्चे तेल का भंडारण मैंगलोर, पंडूर और विशाखापट्टनम जैसे तीन भूमिगत स्थानों पर है। ठीक है, अब हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी, जैसा कि सबको पता है वॉशिंगटन DC वहाँ की कैपिटल है और राष्ट्रपति तो सभी को पता है डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, मुद्रा सबको पता है अमेरिकी डॉलर। चलिए देखते हैं आज का 6th question क्या कहता है। भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में 2023 तक 100% नल कनेक्शन की योजना है? तो इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2023 तक राज्य के सभी घरों को 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की अगर अपन लोग बात करें तो ईटानगर वहाँ की राजधानी है। ठीक है, मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है, पेमा खांडू वहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें पेमा खांडू, और राज्यपाल की बात करें तो BD मिश्रा वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए देखते हैं आज का 7th question क्या कहता है। किस राज्य सरकार ने कचरे से बिजली उत्पादन करने का निर्णय लिया? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया, जो कि बहुत गजब का इनिशिएटिव है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य पहाड़ी प्रदेश में ठोस कचरे के निपटान के लिए कैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को हल करना है और प्रदेश में 13 में से 10 जिले पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। उत्तराखंड में ये डिसाइड हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड में ये मतलब योजना स्टार्ट की जाएगी और उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है और प्रदूषण पर अंकुश भी लग सकता है। उत्तराखंड की राजधानी की हम लोग बात करें सबको पता है देहरादून है, है ना। मुख्यमंत्री की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है और राज्यपाल की बात करें तो बेबी रानी मौर्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। चलिए देखते हैं आज का 8th question क्या कहता है। किस देश में तहरीक ए तालिबान का सरगना नूर वाली मंसूद अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र ने तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान का सरगना नूर वली महसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया। ठीक है, मसूद पर आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े गुटों को समर्थन देने, उनके लिए वित्तीय व्यवस्था करने, षड्यंत्र रचने और आतंकी कार्यवाही में भाग लेने का दोषी पाते हुए उसे प्रतिबंधित किया और इसके बाद इस पाकिस्तानी नागरिक की सभी संपत्तियां फ्रीज कर दी जाएंगी, उसकी यात्रा और हथियारों पर भी प्रतिबंध लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। चलिए देखते हैं 9th question। भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को कब तक रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2023। जी हाँ, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष BK यादव ने बताया पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को 2023 तक रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ अगर मणिपुर, नागालैंड और मेघालय की राजधानियों को जोड़ने का काम जारी है और पूर्वोत्तर राज्यों को सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। चीन में निम्न राज्य शामिल हैं। चीन में निम्न राज्य कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर है 2023। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। BCCI पर IPL से किस टीम को बाहर करने के लिए 4800 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है? तो इसका करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका करेक्ट आंसर, एक मिनट मैं बता देती हूँ,
हाँ इसका करेक्ट आंसर है डेक्कन चार्जेस। जी हाँ, डेक्कन चार्जेस इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआती 8 टीमों में से डेक्कन चार्जेस को आईपीएल से बाहर करने के लिए 4800 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगा है। बीसीसीआई की स्थापना की अगर अपन लोग बात करें तो 1928 में हुई थी। अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। और सीईओ कौन है? हिमांग अमीन। सचिव कौन है? जय शाह। तो इसका करेक्ट आंसर है डेक्कन चार्जेस। चलिए देखते हैं कल का प्रश्न। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो आज का आपका कल का आपका क्वेश्चन क्या था? कल का आपका क्वेश्चन था किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फकाफक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा? ट्यूनीशिया इसका करेक्ट आंसर था। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन, किसने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक विकास परिषद के वर्चुअल सत्र को संबोधित किया? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। और हाँ, आज के वीडियो के लाइक का टारगेट बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 1500+ लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे, ठीक है। और अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाफट से अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, जिससे सभी के सभी बच्चे लाभ उठा पाएँ। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल एसएससी मेकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल एसएससी मेकर को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में बेल आइकॉन भी नज़र आएगा, आप उस पर भी क्लिक करें, जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते जाएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ नाइस डे।